शिवपुरी मध्य प्रदेश में बस यूनियन द्वारा दिया गया ज्ञापन। शिवपुरी में आज बस यूनियन द्वारा ग्राम पंचायत सीईओ एचपी वर्मा को दिया गया ज्ञापन। इस ज्ञापन में बस यूनियन द्वारा टैक्स माफ करने की मांग की गई और आगामी महीनों में आदेश आने तक कुछ रियायत की भी मांग। ऐसा भी कहा गया, अगर रियायत नहीं दी गई तो मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर अपनी बसें नहीं चलाएंगे। बस यूनियन द्वारा दिया गया ग्राम पंचायत सीईओ को ज्ञापन कि आने वाले महीनों में दी जाए कुछ रियायत। लॉकडाउन की वजह से बस यूनियन ने यह मांग भी की है कि उनका टैक्स माफ किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर अपनी बसें नहीं चलाएंगे। ज्ञापन हमने इस संबंध में दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है कि हमारी बसों का टैक्स जो है अप्रैल मई जून का माफ किया जाए और आगामी अगर बसें चलाई जाती हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर तक के लिए कुछ रियायत की जाए तो हम लोग अपनी बसें संचालन कर सकते हैं, वरना हम लोग बसें अपनी संचालन नहीं करेंगे।